और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो की शुरुआत इंड्रेसिना के खूबसूरत प्लांट के साथ। ये मेरा इंडोर प्लांट है फ्रेंड, और यहाँ पे मेरे देखिए ये इंडोर प्लांट रखे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इंडोर प्लांट। देखिए अब इनका सीजन शुरू हो जाएगा और ये खूब अच्छे से ग्रोथ पे आ जाएंगे। अब इनको आप फरवरी में, 15 फरवरी के बाद आप इनमें खाद दे सकते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये मेरा चाइना पाम बहुत बिग साइज का हो गया है और इसका प्लांट भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। देखिए इसको मैंने लगा दिया है प्लास्टिक के पॉट में, काफी खूबसूरत लगता है। मैं दिखा रही हूँ आप, देखिए कितना बिग साइज का है ये। ये है मेरा खूबसूरत एग्लोनीमा, देखिए चाइनीज एवर ग्रीन भी इसको कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत हो गया है और इस बार मैं इसको ट्रांसप्लांट भी कर दूंगी। मैं इसको मतलब प्रोपिगेट करूंगी इसको। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा स्नेक प्लांट है। ये वेरीगेटेड है फ्रेंड, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये छोटे से व्हाइट कलर के पॉट में लगा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये है मेरा छोटा सा सिंघोनियम का प्लांट, देखिए कितना बुशी, कितना खूबसूरत छोटे से प्लांट में लगा हुआ, बहुत ही प्रीटी लगता है, देखिए है ना। ये इंडोर भी लग जाता है फ्रेंड। और ये है हमारा खूबसूरत स्नेक प्लांट, देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया है और बड़े से पॉट पे लगा है। इसको भी मैं ट्रांसप्लांट करूंगी, तो मैं इसके प्रोपिगेट कर दूंगी। देखिए इसमें कई बेबी पप्स निकल आए हैं, मैं इनको भी अलग करूंगी। ये है हमारा खूबसूरत अगेव, देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके भी बेबी निकल रहे हैं। देखिए मैं इसको भी अलग करूँगी, तो इनके भी बेबी पप्स निकाल के इनको भी अलग कर दूँगी। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट, देखिए है ना। ये है हमारा क्रिसमस ट्री, बहुत ही खूबसूरत बिग साइज का हो गया है ये, काफी देखिए काफी बड़ा है ये, देख सकते हैं आप, देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये है मेरा एरेका पाम, मेरे पास 2 एरेका पाम है, बहुत ही खूबसूरत है ये, रूम में रखा है कॉर्नर में, देख सकते हैं आप। एक एरेका पाम मेरा ये है फ्रेंड, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं आप, देखिए ये भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसको, फरवरी आ गई, अब मैं इसमें भी खाद डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा लेडी पाम, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसको भी मुझे ट्रांसप्लांट करना है। मैं प्लास्टिक का पॉट लाऊंगी 14 इंच का, और उसमें मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है आपके एक रूम को डेकोरेट करने में या कॉर्नर को लेने में, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। मैंने यहाँ पे एक तुलसी का प्लांट भी बचा के रखा था, क्योंकि यहाँ पे कोहरे का कम असर पड़ता है, फॉग का, तो मैंने इसको यहाँ सेव कर दिया था। ये सब देख सकते हैं आप, मेरे मनी प्लांट हैं, बहुत हेल्दी हैं, एक भी लीव्स इसकी नहीं झड़ी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और कुछ है जो मैंने देखिए कटिंग करना है, जो पत्तियां सूख गई, ये बच्चे ने मेरे तोड़ दिया था किसी फंक्शन में, तो ये मुझे अलग करना, पानी में डाल दूंगी। और ये है मेरा एग्लोनीमा की एक और वैरायटी, देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लगता है एग्लोनीमा का प्लांट, बहुत ही प्यारा। एक ये प्लांट मेरे पास रियो का है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी लीव्स देखिए पर्पल एंड ग्रीन में, बहुत ही सुंदर लगती है। इसको बोट लिली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है, जो ये देखिए जो फ्लावरिंग होती है वो बोट के साइज़ की होती है, इसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके फ्लावर इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ये प्लांट ही बहुत ही अट्रैक्टिव है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, है ना। और ये है मेरा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मेरा रफन बेक किया, मेरा फेवरेट प्लांट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे पास शिफ्लेरा ड्रेसिना वगैरह सब ऊपर रखे हैं फ्रेंड टेरेस पे, तो देखिए कितना प्यारा है। इसकी लीव्स देखिए, इसकी वेरीगेशन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये न्यू लीव्स निकल रही है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास 2 प्लांट हैं डफन बेकिया के, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए एक ये है, देखिए कितना सुंदर है ये भी, इसकी जो है वाइट लीफ है और ग्रीन कम है, और इसमें ग्रीन ज़्यादा है वाइट कम है, देखिए मुझे दोनों प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट प्लांट्स में हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं मुझे। और ये भी मेरा यहाँ साइड में रखा है, यहाँ पे फॉग का असर कम होता है, इसलिए मेरे प्लांट हेल्दी हैं और सब अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा इंडोर गार्डन ही आप कह सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने प्लांट कम से कम तभी
40-50 प्लांट होंगे मेरे यहाँ पे जो मैंने लगा रखे, मैं पूरे नहीं दिखा पाती हूँ आपको हमेशा। और ये है हमारा खूबसूरत ड्रेसिना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत लगता है ड्रेसिना का प्लांट, देखिए बहुत ही अच्छा लगता है आपके गार्डन को, आपके घर को एक ग्रीनरी देने के लिए, बहुत ही ठंडक का एहसास दिलाता है। समर में भी आप इसको लगाइएगा तो आपको ग्रीनरी का एहसास होगा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। एक ये वेरीगेटेड है सॉन्ग ऑफ इंडिया, दोनों ही सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी है, बहुत ही सुंदर है, देखिए बहुत प्यारे लगते हैं, देखिए है ना। इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, कटिंग करके लगाइए, बुशी होगा, घना होगा। ये है चाइनीज एवरग्रीन का बहुत ही खूबसूरत प्लांट मेरे पास, आप देख सकते हैं। देखिए ये भी रिपोर्ट करने को मांग रहा है क्योंकि काफ़ी प्लांट इसमें बन गए हैं, नीचे से आप देखिए और ये कितना प्यारा बुशी है, बहुत ही सुंदर है, देखिए। ये है रियो की वैरायटी, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। अब इसका सीजन आ रहा है, मैं इसको भी थोड़ा सा खाद वाद दूंगी, फर्टिलाइजर दूंगी फरवरी में। एक रियो मेरे पास ये है, देखिए ये भी वही है, तो ये वेरीगेटेड है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड ये है मेरा क्रोटन का प्लांट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रोटन की मेरे पास बहुत सी वैरायटी थी, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मेरे पास क्रोटन की बहुत वैरायटी थी, और मेरे समर में कि विंटर में ख़राब हो गए मुझे याद नहीं है, मैंने काफ़ी प्लांट लगाए थे, फिर मेरा दिल टूट गया और उसी मैंने सोचा कि अब मैं क्रोटन की बिग बिग प्लांट लूँगी ताकि वो समर या विंटर की मार झेल सके। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया, 350 रुपये का मुझे ये प्लांट मिला, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत सुंदर लगा। इसकी लीव्स देखिए, इसकी वेरीगेशन देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं इस बार का कलेक्शन में मेरा एडिनियम और क्रोटोन ही होगा, मैं समर में इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ और मैं ये प्लांट लेके आऊँगी। अच्छा प्लांट है, देखिए इसकी कटिंग लग जाती है फ्रेंड, रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगता है, आपके गार्डन में बहुत सुंदर लगते हैं क्रोटोन के प्लांट, ज़रूर लगाइए फ्रेंड। क्रोटोन के प्लांट लगाने में और हिबिस्किस में आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स, देखिए ये अच्छा ये नहीं है, हिबिस्किस में बास्केट में लगा के दिया, छोटी सी बास्केट होती है ब्लैक कलर की, उसमें उसने मुझे हिबिस्किस का प्लांट लगा के दिया, अक्सर वो क्रोटोन भी लगा के देते हैं, तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो टोकरी हटा के ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि अगर टोकरी आप नहीं हटाएंगे तो आपका प्लांट्स की रूट डैमेज हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएंगे। इसको मॉर्निंग की सुबह की आप 10-11 बजे तक की धूप दीजिए, समर की 9 बजे तक की, 10 बजे तक की दीजिए, बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। इनमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और काफ़ी खूबसूरत लगने वाला प्लांट है, आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत लुक देने वाला है। और इसमें फंगस वगैरह तो मेरे ख्याल से इंडोर प्लांट में कुछ भी में नहीं लगते हैं फ्रेंड, और बिना केयर के अच्छे से आपके गार्डन में सारे प्लांट्स चलते हैं। तो क्रोटोन में फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं आप, काउडिंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और फर्टिलाइज़र पे बात हो गई, धूप की बात हो गई, समर में आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए, मैं ग्रीन नेट लगवाती हूँ, फरवरी के लास्ट में मैं लगवा लूँगी। तो कटिंग से भी ये लग जाता है फ्रेंड, इतनी सी कटिंग मैं इसकी लगाऊँगी, रेनी सीजन में लगाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रोटोन, आपको भी अच्छा लगता होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। ज़रूर आप लोगों को मेरी छोटी सी क्रोटन पे वीडियो कैसी लगी और मेरा इंडोर गार्डन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और संडे अपडेट मैं दे रही हूँ, आज मैंने इंडोर गार्डन पर दिया, तो हैप्पी फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, और हैप्पी ठंडी, अब तो ठंडी भी जा रही है, बाय फ्रेंड्स।